से है जहां प्रवासी पक्षियों के संरक्षण में आरक्षित वेटलैंड में पानी में बनाए केज कल्चर के मरी हुई मछलियों को दफनाने का मामला सामने आया है। जानकारी होने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वहीं इस मामले में वन विभाग ने अज्ञात लोगों के खिलाफ POR बनाकर दो कर्मचारियों को मौके पर तैनात किया है। दरअसल वाइल्ड लाइफ सोसाइटी के अनुसार यहां 100 से अधिक प्रकार के स्थानीय और प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं, जहां मरी हुई मछलियों के बदबू से वेटलैंड बर्बाद हो रहा है। साथ ही अप्रवासी पक्षियों के लिए खतरा बनते जा रहा है, जिस पर बायोडायवर्सिटी सचिव सदस्य रायपुर ने धमतरी DFO और जिला प्रशासन को पत्र लिखकर जांच कराने की बात कही थी, जिस पर धमतरी DFO जांच करने गंगरेल बांध के किनारे फुटहा मुड़ा गए थे। वहां बड़ी मात्रा में वेटलैंड में मरी हुई मछलियों को गड्ढे खोदकर पाटा गया था। बहरहाल वन विभाग का कहना है कि अज्ञात लोगों के खिलाफ POR बनाकर मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। फूटा मुड़ा वेटलैंड से लगे हमारे जो RF 165 है वहां पे कुछ गड्ढे खोदे जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी, उसको संज्ञान में लेके विभाग ने वहां पे POR जारी किए है और उसकी जांच चल रही है। तो इसको अज्ञात के रूप में अभी POR जारी किए गए हैं और जांच में उसमें जो भी उसमें समझ में आएगा। मैं भी साइट का विजिट किया हूँ, लगभग 3 से 4 गड्ढे वहाँ पे पाए गए और एक गड्ढा जो बंद किया गया था उसमें स्मेल आ रही थी, तो हम सोच मतलब उसको ये प्रमाणित कर रहा था कि वहाँ पे अंदर कुछ मछली जो मरे हुए मछली उसमें जो डाले हैं और कुछ फोटोज पुराने जो उसमें बंद करने के पहले के कुछ वहाँ से फोटोज मिले हैं उसमें मैंने देखा था कि उसमें मरी हुई मछलियाँ थी और उसका डिटेल जांच अभी टीम कर रही है। बिल्कुल, जांच के उपरांत उसमें वन अधिनियम 1927 जो है उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।